हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ रंजीता स्टेडियम, क्योंकि आज दशहरा है और वहाँ पर रावण बनाया हुआ है, तो वहाँ पर रावण का दहन होने वाला है। तो चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और आज तो खैर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने वाली है और भीड़ भाड़ में गाड़ी ले जाना मुश्किल है, तो मैं गाड़ी नहीं लेने वाला, आज मैं पैदल ही जाऊँगा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, तो चलते हैं फिर और पहुँच के आपको दिखाता हूँ वहाँ पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर रावण के चार भाइयों को बनाया गया है और इनमें ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया गया है, नॉर्मल प्लास्टिक लगाया गया और अंदर की ओर पॉल लगाया गया है। और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लग रही है यहाँ, और यहीं पर अपना फ्लैग भी है ऊपर। और मौसम भी ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा रावण, और पीछे थोड़ा लाइटिंग आ रही है जिसकी वजह से थोड़ा फेस अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ जो रावण के जो भाइयों को बनाया गया था और उनका दहन हो चुका है अभी, और जैसे ही अंधेरा होगा उसके बाद जो वहाँ रावण बनाया गया है उस तो रावण का भी दहन होगा फिर।
जशपुर में जितने जगह भी दुर्गा बैठाया गया था सभी को भी यहाँ लाया गया है और यहाँ से फिर विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। तू मेरे को परेशान कर दिया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर खचाखच भीड़ से भर चुका है स्टेडियम।